Today I will be discuss about Lagrangian multiplier conditions. ठीक है, उसका थर्ड एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल होंगे. ठीक है, x1, x2, x3 और आपके पास एक कॉन्स्टेंट्स होगा. ठीक है, थ्री वेरिएबल विद वन कॉन्स्टेंट के साथ. तो आप इस क्वेश्चन को आप बाय विद द हेल्प ऑफ Lagrangian मल्टीप्लायर कैसे सॉल्व करोगे, तो हम देखते हैं. क्वेश्चन है आपका सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, मिनिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 square प्लस x2 square प्लस 3x3 square प्लस 10x1 प्लस 8x2 प्लस 6x3 माइनस का 100. ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट से आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20, जहाँ पे x1, x2 और x3 जो है वो क्या है आपके ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले, ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें. चलो सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन, ठीक है, डिफाइन द Lagrangian फंक्शन इज, ऐसे डिफाइन करते थे. ठीक है, ये सारी वीडियो आपको ऑलरेडी बनाई हुई है. ठीक है, आपके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके ये सारी वीडियो देख सकते हो. ठीक है, तो L इज इक्वल टू जेड माइनस लेमडा एच. हम जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी. ठीक है, 2x1 square प्लस x2 square प्लस 3x3 square प्लस 10x1 प्लस 8x2 प्लस 6x3 माइनस 100 और माइनस लेमडा टाइम दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 और माइनस का 20. क्लियर है, दिस इज एच और दिस इज जेड. अब आपको पता है नेसेसरी कंडीशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है. अगर आपके पास थ्री वेरिएबल है तो आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, फॉर द नेसेसरी कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन इक्वल टू जीरो, कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स टू इक्वल टू जीरो, कर्ली एल ओवर कर्ली लैम्डा इक्वल टू जीरो एंड कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स थ्री इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये चार कंडीशंस पहले आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये थर्ड नंबर पे, ये आपका फोर्थ नंबर पे. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन ये वैल्यू पुट कर मतलब फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक्स वन ये है, यहाँ पे एक्स वन ये है और कहाँ है एक्स वन ये है. ठीक है, तो जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स वन को छोड़ के हमारे पास जो भी वेरिएबल यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट. और आपको पता है कि कांस्टेंट की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x1 प्लस 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू लैम्डा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ कर्ली एल ओवर कर्ली x2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब हमने क्या करना है x2 विद रिस्पेक्ट टू x2 हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x2 चेक करेंगे. x2 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा x2. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x2 प्लस 8. ठीक है, यहाँ पे देखो 8 है तो 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज लैम्डा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ अब थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज कर्ली एल ओवर कर्ली x3. ठीक है, वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे ये दो इक्वेशन सॉल्व की वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या चेकआउट करेंगे, हम यहाँ पे x3 देखेंगे. तो x3 वाली टर्म एक ये है हमारे पास 3x3 square, दूसरी है 6x3 और तीसरी हमारे पास क्या, माइनस लैम्डा x3. ठीक है, इसको इसके अलावा जो भी हमारे पास वेरिएबल है यानी x1 और x2 ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आपको पता होती है, डिफरेंशिएशन आपको पता होती है क्या होती है, ज़ीरो होती है. तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज 6x3 प्लस 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कर्ली एल ओवर कर्ली लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी लैम्डा वाली टर्म नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ज़ीरो. यहाँ पे लैम्डा वाली टर्म है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ये आ जाएगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो हमारे पास जो माइनस है दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2, ठीक है, दिस इज नॉट x3, दिस इज x2 प्लस x3 माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. क्लियर है, अगर आपकी कहीं भी अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट्स है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड बी गेट. वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी.
जैसे हम ये सारी इक्वेशन यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस टेन, दिस इज़ एक्स वन डिवाइडेड बाई फोर, प्लस लैम्डा माइनस एट डिवाइडेड बाई टू, प्लस लैम्डा माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स, माइनस का ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री टाइम, दिस इज लैम्डा माइनस टेन, ये सिक्स टाइम लैम्डा माइनस एट, प्लस टू टाइम लैम्डा माइनस सिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, और माइनस का कितना आ जाएगा, दिस इज ट्वेंटी, ठीक है, और इक्वल टू जीरो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे यानी थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा थ्री लैम्डा माइनस थर्टी, प्लस सिक्स लैम्डा माइनस फोर्टी एट, प्लस टू लैम्डा माइनस का ट्वेल्व, एंड माइनस टू फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इलेवन लैम्डा माइनस नाइन्टी इक्वल टू टू फोर्टी, क्लियर है। इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद ये वाली टर्म में इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इलेवन लैम्डा इक्वल टू टू फोर्टी प्लस नाइन्टी इक्वल टू थ्री हंड्रेड थर्टी, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, थ्री हंड्रेड थर्टी डिवाइडेड बाई इलेवन इक्वल टू थर्टी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, थर्टी आ गई, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, नाउ पुट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री एंड बी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू पुट करनी है कहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में। जैसे ही आपकी लैम्डा इक्वल टू थर्टी पुट करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स वन इक्वल टू थर्टी माइनस टेन डिवाइडेड बाई फोर यानी ट्वेंटी अपॉन फोर, दिस इज इक्वल टू फाइव। एक्स टू आ जाएगा आपका थर्टी माइनस एट अपॉन टू, तो ये हो जाएगा थर्टी ट्वेंटी टू अपॉन टू इज इक्वल टू इलेवन। ये हो जाएगा एक्स थ्री इक्वल टू थर्टी माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स इक्वल टू फोर। तो x नॉट इज इक्वल टू x1 x2 x3, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5 11 एंड 4, क्लियर है। नाउ द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं यानी जितने भी हमने पॉइंट्स निकाले वो हो गए x1 x2 x3 एंड लैम्डा। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 11 4 एंड 30, क्लियर है। ये थी आपकी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नाउ अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे जो हमारा हेसियन जो मैट्रिक्स होती है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास नाउ द सफिशिएंट कंडीशंस, ठीक है। द हेसियन मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरह की बनेगी, इसको एच नॉट बी भी लिखते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जीरो, जितने आपके पास वेरिएबल हैं उतने टाइम हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। थ्री वेरिएबल विद वन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स वन, कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स टू, कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स थ्री, यहाँ पे भी कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स वन, कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स टू, कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स थ्री, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट लग रहा है ना, ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो बीच में टर्म आएगी वो हो जाएगी आपकी कर्ली स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स वन स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स वन कर्ली एक्स टू, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स वन कर्ली एक्स थ्री, ठीक है। वैसे नेक्स्ट टर्म में आपके पास यहाँ पे कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स टू कर्ली एक्स वन, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स टू का स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स टू और कर्ली एक्स थ्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपके पास दिस इज कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स थ्री कर्ली एक्स वन, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स थ्री कर्ली एक्स टू एंड कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स थ्री, ये है। तो आपने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस डिटर्मिनेंट में आपने पुट कर देनी है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, नाउ जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स वन हमारे पास कितना आ जाएगा, वन। वैसे ही कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वन। कर्ली एच ओवर कर्ली एक्स थ्री कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये हमारे पास एच था, ठीक है। इसको सिंगल सिंगल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो, हमारे पास वन आ जाएगा। वैसे ही एक्स टू करेंगे तो ये वन आ जाएगा, वैसे ही एक्स थ्री करेंगे तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जो हमने पहले वैल्यू फाइंड आउट की है कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन की, तो फोर एक्स वन प्लस टेन माइनस लैम्डा। वैसे ही हमने वैल्यू फाइंड आउट की है कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स टू की, वो थी आपके पास टू एक्स टू प्लस एट माइनस लैम्डा। कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स थ्री हमने वैल्यू फाइंड आउट की है तो वो है सिक्स टाइम एक्स थ्री प्लस सिक्स माइनस लैम्डा, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, आप पीछे चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स वन स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखोगे,
इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है, कि हम इसको कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कर्ली ओवर कर्ली एक्स वन, ठीक है, और इसको लिखने कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन। तो कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन की हमें वैल्यू पता है, ये है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू फोर। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलर आपने क्या करना है, कर्ली स्क्वेयर एल ओवर कर्ली एक्स टू का स्क्वेयर, तो यहाँ पे कर्ली ओवर कर्ली एक्स टू और ये हो जाएगा कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स टू। इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, तो ये है टू एक्स टू प्लस एट माइनस लैम्डा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, ठीक है, क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू है। तो यहाँ पे देखो एक्स टू की एक ही टर्म है और ये कॉन्स्टेंट है, तो जीरो, ये हो जाएगा तो टू आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। वैसे ही कर्ली, वैसे ही जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो है कर्ली स्क्वेयर एल ओवर कर्ली एक्स थ्री क्यूब, यहाँ पे कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री, कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स थ्री आ जाएगा। यहाँ पे देखो कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स थ्री की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, ये है सिक्स टाइम एक्स थ्री प्लस सिक्स माइनस लैम्डा, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। और विद रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, एक्स थ्री के साथ कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री। यहाँ पे एक्स थ्री की सिर्फ एक ही टर्म है, वो क्या है आपके पास, सिक्स एक्स थ्री, बाकी कॉन्स्टेंट यानी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिक्स आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आपने जो फर्दर जितनी भी वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन ऑल वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स वन कर्ली एक्स थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली एक्स वन कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स थ्री, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये वाली है ना, यही थी, तो ये हमने यहाँ पे पुट की, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स वन की नहीं है, यानी ये सारी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है इन द केस ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी, क्लियर है। वैसे ही जो नेक्स्ट वैल्यू है कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन एक्स टू है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज कर्ली ओवर कर्ली एक्स वन और ये वाली वैल्यू लिखोगे आप कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स टू। अब यहाँ पे देखो कर्ली ओवर कर्ली एक्स टू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी, तो ये हमने यहाँ पे पुट की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स वन की नहीं है और ये हो जाएगा आपका जीरो, क्लियर है। वैसे ही जो थर्ड वन है आपके पास, दिस इज कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स वन, सॉरी कर्ली एक्स टू और कर्ली एक्स वन, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ओवर कर्ली एक्स टू और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन, दिस इज इक्वल टू, अब कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन की वैल्यू थी हमारे पास दिस वन, फोर एक्स वन प्लस टेन माइनस लैम्डा, ठीक है, ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की और विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो ये क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्लियर है। वैसे जो नेक्स्ट की फ्यू टर्म्स हैं वो भी आपके पास इसी तरह की आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स टू कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री इक्वल टू कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री सॉरी टू एंड दिस इज कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री की वैल्यू क्या है, सिक्स एक्स थ्री प्लस सिक्स माइनस लैम्डा, यही है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास दिस वन, तो ये क्या है, दिस इज कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स थ्री कर्ली एक्स वन, तो वैसे ही आ जाएगा, देखो कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स वन, तो कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री एक्स वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमने ये फाइंड आउट किया, दिस इज फोर एक्स वन प्लस टेन माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टर्म आपकी क्या है, एक्स थ्री की नहीं है, यानी ये सारे के सारे टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो लास्ट टर्म है आपकी वो है दिस वन कर्ली स्क्वायर एल ओवर कर्ली एक्स थ्री कर्ली एक्स टू, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ओवर कर्ली एक्स थ्री, ये हो जाएगा आपका कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स टू इक्वल टू, अब कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स टू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दिस इज टू एक्स टू प्लस एट माइनस लैम्डा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स थ्री वाली टर्म नहीं है, तो ये भी आपकी जीरो हो जाएगी। अब ये जो सारी वैल्यू है ये हम जहाँ पे डिटर्मिनेंट था वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी हेशियन मैट्रिक्स जो थी वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जब हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो देखो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एच वी, ठीक है, यानी हेशियन मैट्रिक्स, ठीक है, डेल इक्वल टू, यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज डिटर्मिनेंट,
ओके, ये जो जितने भी साइन लगे हैं ये आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पे, है ना। दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट होता है आपका इस फॉर्म में, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 6 ये है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको रूल्स पता होंगे कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मैक्सिमम जीरो देखेंगे। मैक्सिमम जीरो का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा आपके पास जीरो होगी उतने ही आसानी से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हर केस में क्या है, 2 2 जीरोज़ है, ठीक है। सिर्फ इस वाली लाइन को छोड़ के यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी तीनों रो में आपके पास कितनी है, 2 2 जीरोज़ हैं, और तीन कॉलम में आपके पास कितनी है, 2 2 जीरोज़ हैं। अब ये आपकी इच्छा करती है, ठीक है, आपकी इच्छा है आपने कौन से रो या कॉलम से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं जो सेकंड रो है इससे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके पास देखो ये हो गया, दिस इज़ -1, ठीक है। -1 क्यों आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ठीक है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। और जब भी आप कोफैक्टर निकालते थे तो यहाँ पे क्या होता था, -1 raised to power, दिस इज़ i+j। तो i का मतलब आपकी रो होता था, j के मतलब आपका कॉलम होता था, ठीक है। तो i+j ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। -1 raised to power 3 क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ गए ना। कोफैक्टर और माइनस आपने निकाले होंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज़ -1, ठीक है। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो -1 फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 2 0 0 0 6, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, दिस इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो +4 यहाँ पे हमारा जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 1, दिस इज़ 1 2 0, और यहाँ पे 1 0 6, ये बच गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट आपने फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो, क्लियर है, क्योंकि हमने जो है ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज़ कहाँ हैं, सेकेंड रो में है और थर्ड रो में है, ठीक है, यानी आपकी सेकेंड और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो आपका आपकी इच्छा है आपने डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम जो थर्ड रो है वहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे दो माइनस का 1 ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या है, 6, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, दिस इज़ 1 1 एंड 0 2, क्लियर है। वैसे यहाँ पे +4, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कौन से, उससे आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो से कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ -1, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 1 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे +1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 0 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ -1, ये 6 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है वो प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज़ 6 टाइम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो 2 - 0, ठीक है, और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -1, दिस इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और -0, क्लियर है। यहाँ पे +1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे A B C और D, ये आपको 2 × 2 मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AC विद नेगेटिव साइन ऑफ -BC AD, ठीक है, और -BC, तो ये आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है किसका, 2 × 2 मैट्रिक्स का। वैसे ही यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज़ -12 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो -12 + 4, यहाँ पे -6 - 2, ठीक है, तो -6 - 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो -12 + 4 - 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज़ -12 + यहाँ पे -32, और ये हो जाएगा आपका -44 < 0, ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ लेस देन 0, ठीक है। नाउ दिस इज़ द मिनिमा और कॉन्वेक्स
फंक्शन, ठीक है, मिनिमा है और क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है. नाउ द मैक्स द मिनिमम वैल्यू इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इन जेड एंड वी गेट. जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जेड है जो आपके पास था उसमें आपने एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू पुट आउट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा टू टाइम, ठीक है, फाइव स्क्वेयर प्लस इलेवन स्क्वेयर प्लस थ्री फोर स्क्वेयर प्लस टेन फाइव प्लस एट इंटू इलेवन प्लस सिक्स इंटू फोर माइनस का हंड्रेड. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज़ 50 प्लस 121 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 88 प्लस 24 माइनस का 100. इन सभी को हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज जेड इक्वल टू 281. तो ये क्या है आपका आंसर है. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.